सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो होप्स यू आर डूइंग गुड। सो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सर्विस सेंटर से आया। एक्चुअली मैंने अपने थार का ब्रेक पैड चेंज कराया। सो उसी वक्त न्यू थार का जो न्यू मॉडल आया है वो भी शोरूम में था, तो मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और भी कुछ इन्फो है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गो। ये सब पेट्रोल वेरियंट है क्या? डीजल है। ये टॉप वेरिएंट है डीजल में, मैनुअल हार्ड टॉप। ये कन्वर्टिबल है? नहीं, हार्ड टॉप है, कन्वर्टिबल उसमें रहेगा। कन्वर्टिबल के सॉफ्ट टॉप में रहता है क्या? हाँ, वो सॉफ्ट टॉप वाला मटेरियल में रहता है। इसमें हार्ड टॉप है, कन्वर्टिबल नहीं है। इसे क्या है प्राइस अभी? ये आपका ऑन रोड है 14,40,000 और कन्वर्टिबल का प्राइस है 14,30,000। तो बट सॉफ्ट टॉप रहेगा ना? हाँ, वो सॉफ्ट वाला मटेरियल रहेगा, वो जैसे नॉर्मल पुराना, जैसे पुराना थार में आता था। इसीलिए तो पुराना थार को हटा रहे हैं सॉफ्ट टॉप के चलते। हाँ, हार्ड टॉप लीजिए अगर वो यूज कर रहे हैं तो फिर कन्वर्टेबल में मत जाइए, हार्ड टॉप लीजिए, अच्छा है। पेट्रोल वाला वेरिएंट भी है? नहीं, पेट्रोल अभी नहीं है, खाली एक ही डेमो गाड़ी आया है हम लोग के पास। और डीजल में आपको केबिन में बिल्कुल नॉइज नहीं है, और गाड़ी का भी आवाज़ नहीं है। गाड़ी का आवाज़ नहीं है एकदम। और इसका ये तो बेसिक है ना, पुराना जैसा था। हाँ, और इसमें सुने तो कुछ दिया है इसका फोर व्हील ड्राइव का? हाँ, ऑप्शन उसमें शो करेगा आपको स्पोर्ट्स मोड, इकोनॉमी मोड। हाँ, एडवेंचर मोड दिया हुआ है उसमें, होम बटन को दबाइएगा ना तो वो एडवेंचर मोड। नहीं नहीं, वो हाँ बोला दबाइए, और एक एडवेंचर मोड आ गया, उसको टच कर दीजिए। नहीं नहीं, एडवेंचर मोड को, इससे माइलेज में फर्क पड़ता है। हाँ, माइ और बीच वाला जो खुला उसको टच कर दीजिए। हाँ, ये ऑन रोड, हाँ कस्टम भी कर सकते हैं, ऑन रोड भी, ऑफ रोडिंग सब के लिए दिया हुआ है। और इसका माइलेज है पुराना वाला से अच्छा ही खराब है? देखिए आपको फैक्ट बता देते हैं, ये आपको मैनुअल में सिटी में ये आपको 11-12 देगा। लास्ट वाला उसने दे गई एसी में? हाँ, एसी में। और टू फोर व्हील ड्राइव में चल जाइएगा तो ये 8-9 देगा आपको। पुराना वाला का तो माइलेज कम था, पुराना वाला सिटी में ही 10 के अंदर देता माइलेज। हाँ, अगर ये फोर व्हील में चल जाइएगा तो आपको 8-9 देगा। ये से घुमा लेना है तो? हाँ, ये लाइन में ले, या फिर सर्विस लेन पकड़ लीजिए इधर से, चलिए ग्रैंड मार्केट फ्री है। तो गाड़ी वहाँ जा रहा है दिलीप भैया? हाँ, बॉस के कह नहीं पता, बोले तो सेंटर पॉइंट जाएगा। जो 2 अक्टूबर को बुकिंग किया है उसको गाड़ी मिलेगा जनवरी में, जनवरी फरवरी। जैसे तो बुकिंग लेट होगा वैसे 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 टाइम क्रॉस करेगा आपका। बुकिंग करा दे, इसका एक्सचेंज का भी है कुछ बोल रहे थे मिथिलेश जी।
हो जाएगा, पुराना था एक्सचेंज करेंगे। हाँ अभी तो लेके आया है वही वाला। हाँ तो एक्सचेंज वाला देख लेगा, मिसलेस पे मालूम है उसके बारे में। हाँ वो भी देख लें, क्या प्राइस रखे हैं आपको इसी सर्विस से? आप लोग बताएंगे क्या उसका प्राइस है, कितना किलोमीटर? एक ही साल का गाड़ी है, नया वाले थार के मुकाबले में पिछला साल का थार का ना अभी तक 3-4 गाड़ी आ चुके हम लोग के पास एक्सचेंज के लिए। मेरा एक ही साल हुआ तभी सोच रहे अपग्रेड करना है। हाँ एक ही साल का ही बोल रहे हैं, एक ही साल हुआ हुआ थार का 3-4 गाड़ी आ चुका है अभी तक। क्या ऑफर चल रहा है? कस्टमर का रेट बहुत हाई है सर, उतना नहीं देता है। कस्टमर का रेट तो हाई रहेगा क्योंकि थार तो लेके आदमी ज्यादातर घर ही में रखता है, उसके बाद अभी ये आ गया उसका अपग्रेड। और उससे और इसमें बहुत डिफरेंस है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका ऑन रोड पड़ जा रहा है बोले 14 लाख। हाँ ठीक है, बाहर से रहता है कस्टमर का, कंपनी फिटेड है सब कुछ, बाहर से कराना नहीं है कुछ, कुछ बाहर से कराना पड़ता है और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अभी तो एक्सचेंज में ऐसा हो गया है, डन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं डन नहीं हुआ है, गाड़ी जब तक नहीं है तो डन कैसे कर देंगे, क्योंकि रेट जो देंगे एक्सचेंज का वो करंट टाइम का देंगे। अभी प्राइस देंगे उस टाइम गाड़ी लीजिएगा तो वो गाड़ी का रनिंग तो ज़्यादा हो जाएगा ना। अभी अगर गाड़ी वापस होगा तो हो पाएगा? हाँ अगर अभी गाड़ी तुरंत रहता है तुरंत देना रहता तो फाइनल कर देते हैं, उसके बाद आदमी वेट करे 6 महीना तक। हाँ अभी कितना मिलेगा भैया जैसे देखिएगा? हाँ मैं अप्रोक्स नहीं बता पाएंगे, एक्सचेंज नहीं देखते हैं। दूसरा एक लड़का है, एक बंदा उसके लिए वो देखिए सर्विस सेंटर में है ना। हाँ यही है, यही वही देखिएगा। सीट तो नहीं गिरता? गिरता गिरता पूरा, लेकिन नीचे पे ताने लगे हैं, ताने ना होगा। अरे ऐसे भी हो जाता है क्या? नहीं नहीं बस ऐसे ही लटा देंगे सामान को। एंड वन मोर थिंग, ये कोई प्री प्लान वीडियो नहीं था, सो मैं वहाँ पर गया था अपने थार का ब्रेक पैड चेंज कराने। सो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसका टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो उन्होंने कहा सर इसके लिए तो प्री बुकिंग करानी पड़ेगी एंड कुछ चार्जेस भी होते हैं, बट मैं एक ओल्ड ओनर हूँ थार का, सो उन्होंने इसे कंसिडर करते हुए मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। और अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी इसे कुछ आई डोंट नो कुछ कॉस्ट होगा, मुझे पता नहीं है, एंड आपको उसकी प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, सो दे आर दैट काइंड टू मी। एंड अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है रिलेटेड टू न्यू थार, यू कैन डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो है वो मोस्टली मेरे थार के ऊपर ही है। एक्चुअली मैंने न्यू बम्पर एंड DRL हेडलाइट्स ऑर्डर किए हैं ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।